हेलो दोस्तों, देखिए हम 16 तारीख मंगलवार को भंडारा करा रहे हैं और भंडारा कराने के लिए हमें क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। चूंकि हम कर रहे हैं तो हमने कहा क्यों ना अपना अनुभव आप लोग के साथ शेयर करें, तो मेरे इस वीडियो में आप लोग बने रहें। देखिए भंडारा कराने के लिए हमने सबसे पहले ये अपनी जो पास ये दिखा रहे हैं, ये मैंने हलवाई की लिस्ट ले रखी है। तो सबसे पहले मैंने हलवाई को तय किया है, उससे पूछा मैंने कि क्या एस्टिमेट हमारा रहेगा अगर हम इतने लोगों का काम कराते हैं। तो हलवाई ने हमको देखिए ये पर्चा बना करके दिया है, ये आप देख सकते हैं पर्चा। इसमें आपका भंडारे से रिलेटेड सारा सामान हलवाई ने लिख करके बताया है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए पानी के जार हैं, ये सारे जार मैंने कम से कम 40 जार पानी के मंगाए हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है, मुझे शरबत भी कराना है और साथ में पानी भी रखना है, तो मैंने 40 जार पानी के मंगाए हैं। मैंने पूड़ी सब्जी और बूंदी का अरेंजमेंट किया है, उसके अलावा मैंने शरबत का किया है। तो हम सारी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं कि इस पर्चे में क्या क्या है। मेरी लगभग जो हलवाई से बात हुई है वो 1 क्विंटल सब्जी है और उसके साथ 1 क्विंटल आटा पूड़ी के लिए है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको भंडारा कराना है तो सबसे पहले आप एक हलवाई अच्छा सा तय कीजिए जो कि आपका ये काम करे। इसके अलावा आप पानी का व्यवस्था कीजिए, वो भी पानी की व्यवस्था आप थोड़ी साफ़ सुथरी कीजिए। और शरबत की अगर आप व्यवस्था कर रहे हैं तो देखिए मेरे लिए जो लोग ड्रम में घोल करके बना देते हैं वो मुझे थोड़ा सा कम पसंद आता है, क्योंकि ड्रम में वो बर्फ़ की सिल्ली डाल के ढेर सारा बना देना और उसमें बार बार यूँ हाथ डिप करके निकालना करना, तो वो मुझे थोड़ा सा कम पसंद आता है। तो मैंने ये वाला किया है कि आप इसमें आपका टोटी खोली शरबत निकाला, तो इसमें आपको देने में भी आसानी है और लेने वाले को भी अच्छा लगेगा। देखिए सब सामान हमने पहले ही मंगा लिया है एक दिन पहले, क्योंकि कल भंडारा होना है, कल मॉर्निंग से मेरा काम शुरू हो जाएगा। देखिए टेंट भी लग गया है मेरा, ये ताकि सुबह सुबह हलवाई आ जाएगा तो वो काम करना शुरू कर देगा। देखिए सारा राशन भी एक दिन पहले मैंने मंगा लिया है, और राशन में क्या क्या मंगाया है वो जब कल मॉर्निंग खुलेगा तो मैं दिखाऊँगी। अभी तो मैं प्रिपरेशन दिखा रही हूँ कि प्रिपरेशन के लिए अगर आपको भंडारा कराना है तो उसके प्रिपरेशन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं दिखा रही हूँ। देखिए सुबह के 6:30 बज गए और हलवाई आ गया। हलवाई ने आते ही अपना काम शुरू कर दिया, वो अपने बर्तन जो हैं वो लोग धोने लगे हैं। निर्मा है, निर्मा ले लो इन लोगों से, थोड़ा निर्मा इनको भी दे दो। तो हाँ ड्रम में भी थोड़ा डाल के साफ कर लेना पानी। देखिए पूजे का भोग बनना है इसलिए सारे बर्तनों को बहुत अच्छी तरीके से साफ सफाई करवा रहे हैं, ताकि भोग भी बहुत साफ सफाई के साथ शुद्ध बने। देखिए सारा राशन खोल दिया गया है, सब मसाले वगैरह बाहर आ गए हैं और हलवाई ने अपना भट्टी लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि सबसे पहले इसको भोग के लिए बूंदी बनानी है। और तो इन्होंने देखिए सारा काम अपना बड़ी तेज़ी के साथ शुरू कर दिया है। तो जैसे जैसे इनका काम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम दिखाएंगे। ये सब प्रिपरेशन चूँकि मैंने एक दिन पहले सारा सामान मंगा लिया था इसलिए मेरा काम भी बहुत जल्दी सुबह सुबह शुरू हो गया है। और अभी ये देखिए भट्टी जलाने जा रहे हैं, और भट्टी जलाने से पहले भट्टी की पूजा होती है, तो इसलिए हमने इसकी पूजा दोनों भट्टी की है और धूपबत्ती जला करके वहाँ पे रख दिया है। देखिए भट्टी जल गई है और बूंदी बनना स्टार्ट हो गई है। हलवाई ने सबसे पहले भट्टी पे मीठे से शुरुआत की है और उसने बूंदी बनाने के लिए चाशनी तैयार करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये लोग भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी खाना बन जाए और हमारा भंडारा 12 बजे तक स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए बहुत ही तेज़ी के साथ इन लोगों ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। चलिए देखते हैं और हमारी क्या क्या प्रिपरेशन चल रही है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो अभी जो दूसरे साइड हलवाई बैठे हैं वो लोग ने अपना सब्जी काटना शुरू कर दिया है। देखिए लगभग हम 50 किलो के लगभग कद्दू लाए हुए थे, तो ये सारा कद्दू ये लोग काट रहे हैं और कद्दू में से जो भी बीजा है वो निकाल देते हैं, बीजा समेत ये कद्दू सब्जी में नहीं डाला जाता है। तो सभी कद्दू काटने के बाद सबका बीजा निकाल करके ही इसको फिर अच्छी तरह से वॉश किया जाएगा, तब ये सारी जो कद्दू है ये सब्जी में यूज होगा। ये देखिए जो रात को मैंने बताया था कि मेरा मसाला सब आ गया है, मेरा सामान आ गया, तो ये सारे मसाले अभी ओपन हो गए हैं। और देखिए इस मसाले में लगभग सभी कुछ है जो सब्जी में पड़ेगा। ये बूंदी है जो मीठे चाशनी तैयार हो रही है उसमें डाली जाएगी। बूंदी भी मेरी लगभग जो है वो 30 kg है, और 30 kg बूंदी के लिए हलवाई ने लगभग 45 kg चीनी मंगाया था। देखिए पूजे की तैयारी भी शुरू हो गई है, हम लोगों ने सजाना शुरू कर दिया है और अभी पंडित जी भी मेरे आने वाले हैं, इसलिए हम लोग अपना पूजे की तैयारी को
जलेली कर रहे हैं कि ताकि पंडित जी आए तो पूजा करा दें। बूंदी भी देखिए उन्होंने मेरी फटाफट बना करके तैयार कर दी है। तो देखिए दोस्तों, हमने अपने भंडारे की तैयारी कैसे की है वो सारा सब कुछ हमने आपको दिखाया, और मेरी तैयारी लगभग कंप्लीट हो गई है। पंडित जी आ चुके हैं, और मेरा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, भंडारे की तैयारी मेरी कैसी लगी, जिसको अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।